दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इसरो के गगनयान मिशन के बारे में। इस मिशन में तीन लोगों की टीम को तीन दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित धरती पर लाया जाएगा। वैसे गगनयान मिशन का मेन एम 2025 है, जब तीन लोगों की टीम को धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित वापस लाया जाएगा। रॉकेट में एक खास जगह पर हमारे गगनॉट्स रहने वाले हैं, जिसका स्ट्रक्चर इन्हें सेफ रखेगा। हाल ही में इसरो ने एक सक्सेसफुल टेस्ट पूरा किया, जिस टेस्ट का नाम है क्रू एस्केप सिस्टम, जिसको 21 अक्टूबर को सक्सेसफुली टेस्ट किया। ये तीसरा बड़ा टेस्ट है जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष भेजने का एम्बिशियस डेवलपमेंट है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से लिफ्ट हुए लिक्विड प्रोपल्शन सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल DVD-1 ने एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण उड़ान भरी। इसमें एक सेल्फ मेड सिस्टम भी था, जो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रू एस्केप सिस्टम। इस टेस्ट ने वैलिडेट किया वो मोटर जो इस मिशन के दौरान यूज होंगे, जिसमें लो एल्टीट्यूड मोटर हाई एल्टीट्यूड मोटर शामिल है, जो किसी इमरजेंसी के केस में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित तौर पर बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसरो चीफ एस सोमनाथ ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि मिशन को पूरा और पहले लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। आइए अब समझते हैं इसके लॉन्च के दौरान क्या क्या हुआ। दोस्तों लॉन्च के 6 सेकंड्स बाद ही फिन एनेबलिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ। फिर क्रियो एस्केप सिस्टम पिल बॉक्स को मॉक 1.25 की स्पीड पे 11.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्टिवेट किया गया, जहां हाई एनर्जी मोटर्स HEM को फायर किया गया, जो इसे और ऊपर एटमॉस्फेयर में ले गया। एप्रोक्सीमेटली 61.1 सेकंड के बाद जब व्हीकल मैच नंबर 1.21 पर पहुंचा और 11.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब क्रियो एस्केप सिस्टम रॉकेट बूस्टर से अलग हो गया। क्रू मॉड्यूल क्रू एस्केप सिस्टम से 69 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग हो गया था, जाते हुए इसकी स्पीड 550 किलोमीटर पर आवर की थी। इसके बाद ड्रॉगियो पैराशूट डिप्लाय हुआ, जो व्हीकल की डिसेंट को स्लो करता है। इसी के साथ सक्सेसफुली मिशन गगनयान TVD-1 टेस्ट फ्लाइट पूरा हुआ। और ये सब काइंड ऑफ एक फेल टेस्ट था, जो ये इंश्योर करता था कि अगर मिशन के दौरान पर कोई फेलियर आ जाए तो क्रू को कैसे बचाया जाएगा। इसरो ने पहले दो बड़े टेस्ट कंडक्ट किए थे, जो डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें से एक था LVM-3 रॉकेट का टेस्ट, जो गगनयान मिशन के लॉन्च के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा टेस्ट है क्रू एस्केप सिस्टम का पैड अबॉर्ट टेस्ट, जो कि 2018 में हुआ था। पैड शॉट टेस्ट की ड्यूरेशन थी 259 सेकंड, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल ने स्काईवर्ड एसेंट किया। बे ऑफ बंगाल के ऊपर इसने अपने पैराशूट्स खोलकर अर्थ पर डिसेंट किया और श्रीहरिकोटा से लगभग 2.9 किलोमीटर दूर एक सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। इंडियन स्पेस एजेंसी का प्लान है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट जो भी ट्रेनिंग में है, उनको 2025 तक स्पेस भेजना और 2040 तक मून पर भी पहुंचाना। वैसे इस गगनयान पर एक और मजेदार वीडियो आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना। तब तक आप इन वीडियोस को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।